नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, स्टूडेंट में कन्फ्यूजन बना हुआ है और कल से वो और ज़्यादा बढ़ गया है कि क्या हम प्रमोट हुए हैं या नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आदेश आया है कि बच्चों को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यदि किया जाएगा तो आपको फिर किस तरीके से मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपके प्रमोट को लेकर जितने भी डाउट एंड क्वेश्चन हैं उन सबके आपको आंसर मिलने वाले हैं, चाहे वो आप कोई भी कोर्स हो और कोई भी सेमेस्टर, कोई भी ईयर हो। सबका मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन आपको एक शर्त है, वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि आप मेरे से वही क्वेश्चन पूछते हैं जो मैं वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, कल शिक्षा जगत से जुड़े हुए कई बड़े फैसले आए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये था कि सीबीएसई बोर्ड के जो हमारे पहले 10th क्लास के थे वो तो एग्जाम पहले ही कैंसिल हो चुके थे, तो कल जो हमारे 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड है उनको भी कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि उनको भी इस तरह एक इस बार प्रमोट करके ही पास किया जाएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते हैं उन सब में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे, तो उनके जो आपको प्रमोट किए जाने हैं उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कोविड-19 महामारी के कारण जो परिस्थिति है उसमें राजकीय और निजी, यानी कि जैसे आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी है, राजकीय विश्वविद्यालय है, और आपका जैसे बुंदेलखंड है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो और निजी विश्वविद्यालय जैसे आपके जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो, उनके शैक्षणिक सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के अंतर्गत छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नति किए जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो अब इसमें जो मेन मेन पॉइंट है साथियों, वो मैं डिस्कस करता हूं, यानी कि आपको प्रमोट किया गया है, लेकिन किन किन को प्रमोट किया गया है और किन किन स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया गया है वो ध्यान से देखिएगा। साथियों, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर है सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों, यानी कि जो सेमेस्टर के अंतर्गत आते हैं उनकी हम बात करते हैं। साथियों, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, सर आपने वीडियो नहीं डाली, जो आदेश जारी हुआ था ये वो, तो साथियों जैसे ही आदेश जारी होता है या जो भी कोई अपडेट आती है तो उसके लिए मैं अपने फेसबुक पेज पर तुरंत अपडेट कर देता हूं। तो यदि आपको एट ए टाइम चाहिए चीजें तो उसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्लास में बिजी होता हूँ, जब भी मैं फ्री होता हूँ उसके बाद में ये मैं अपडेट वाली वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे जो आपके इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, जैसे आपका फेसबुक पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं, उस पर जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट आती हैं, जॉब से रिलेटेड अपडेट आती हैं, वो सब मैं आपका वहां पर पोस्ट करता रहता हूं, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपके काफी सारे चैनल्स मैंने अपने दिए हुए हैं जो आपके स्टडी से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट की तैयारी करनी है तो आप टारगेट विद गुरुजी पे आ सकते हैं, आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है तो आप आ सकते हैं लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऐसे विश्वविद्यालय जहां स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, यानी कि ध्यान रखिएगा, जहां पर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो उनके सेकंड सेमेस्टर को प्रमोट किया जाएगा। किसमें आज जो सेकंड सेमेस्टर, अब उनका सेकंड सेमेस्टर होगा तो सेकंड सेमेस्टर के उनके एग्जाम नहीं होंगे, उनको प्रमोट किया जाएगा। अब उनके जो मार्क्स आएंगे वो किसके अकॉर्डिंग आएंगे, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि उनके मार्क्स जो है फर्स्ट सेमेस्टर के आधार पर दिए जाएंगे। अब इसके बाद में बात करते हैं तृतीय सेमेस्टर जो नेक्स्ट पॉइंट है, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं तथा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, तो वहां पर भी क्या होगा भाई, आपका तृतीय विषय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर, यानी कि जो थर्ड सेमेस्टर था उसके पेपर हो चुके थे, अब जो उनको प्रमोट किया जाएगा फोर्थ सेमेस्टर में, तो उनके जो मार्क्स आएंगे फोर्थ सेमेस्टर में उनके मार्क्स आपके जो थर्ड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आएंगे, ना कि आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों को मिलाकर, यानी किसके अकॉर्डिंग आएंगे, सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स आने वाले हैं। क्लियर है आपका, उनके चतुर्थ सेमेस्टर के परिणाम अंकित किए जाएंगे। अब इसके अलावा है नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट है, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराई जाएंगी, यानी कि जो भी आपके फाइनल सेमेस्टर है, फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं आपकी कराई जानी है, यानी कि यूनिवर्सिटीज को, जितनी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उनको यहाँ पर दिया हुआ है समस्त परीक्षाएं
13 अगस्त 2021 तक संपन्न करा लेनी है, यानी कि 13 अगस्त से पहले पहले परीक्षाएं खत्म होनी है। तो जितनी भी परीक्षाएं होनी है उम्मीद यही है जुलाई में कराई जाएंगी, यानी कि जुलाई से आपकी स्टार्ट कराई जाएंगी जितनी भी आपके एग्जाम होने हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट, अब यहां पर एक नेक्स्ट पॉइंट ये आया है, यहां पर ये तो हो गया क्लियर इतना। अब जिन बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम भी नहीं हुए हैं, जैसे आपका हम बात करें CCS यूनिवर्सिटी में LLB फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुए हैं, तो अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कराएगी, यानी कि उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम करा के और उसके सेकेंड सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो यानी कि अब LLB 3 ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होना लगता है कि उनके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हैं अब कराए जाएंगे, यानी कि 90% चांसेस अब बन गए हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कराए जाएंगे और उनको सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कि जो LLB 3 ईयर है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो सेमेस्टर के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गए होंगे। अब इसमें बात करते हैं बैक की और एक्स वाले बच्चों की, यानी जिन्होंने बच्चों ने एक्स भरी है या बैक भरी है। तो साथियों एक्स और बैक का जो भी नोटिस जारी हुआ है कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया है, यानी कि 3 पेज का ये नोटिस था, तो दिशा निर्देश दिए गए थे, तो कहीं पर भी एक्स और बैक के लिए भी दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। उम्मीद यही है कि उनके एग्जाम कराए जाएंगे जहां पर, जैसे इसमें मैं बताता हूं चांसेस कहां पर होंगे एग्जाम होने के। जैसे आपने थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म भरे हैं तो फोर्थ सेमेस्टर के लिए फॉर्म भरा है तो फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपका होगा क्या कि उस विश्वविद्यालय में आपके यदि फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम कराए जा रहे हैं तो फिर आपके एग्जाम होंगे। क्लियर है आपको? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप जो एक्स और बैक वाले हैं अभी इनको आपको इंतजार करना पड़ेगा कि आपके एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है पॉइंट आपका, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को है, वो है आपका वार्षिक परीक्षा पद्धति के अंतर्गत संचालित। और इसमें ये और याद रखिएगा, चाहे वो आपका प्राइवेट है, रेगुलर है, डिस्टेंस है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि सभी के लिए आपके ये रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल है, चाहे वो आपका प्राइवेट कोर्स है, चाहे वो आप प्राइवेट कर रहे हैं, डिस्टेंस से कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। क्लियर है आपका? वही सेम वार्षिक में भी है, चाहे वो आप डिस्टेंस में कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर रहे हैं। अब वार्षिक परीक्षा जैसे कि यानी कि आपके BA BSc BCOM है, तो यहां पर ऐसे विश्वविद्यालय जहां पर आपकी प्रथम की हो चुकी है, स्नातक एवं स्नातक उत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहां ऐसे छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नति कर दिया जाएगा तथा इनकी जो आगामी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष के परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे, यानी कि जब आपके सेकेंड ईयर में एग्जाम होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके फिर फर्स्ट ईयर के मार्क्स आएंगे। क्लियर है आपका? पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, यानी कि यदि आपके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं तो आपको प्रमोट कर दिया गया है BA में, यानी कि BA, चाहे वो आपका BA हो, BSc हो, BCOM हो, जो भी आपके वार्षिक कोर्स हैं जिनके एनुअल एग्जाम कराए जाते हैं, तो आपके फर्स्ट ईयर को प्रमोट कर दिया गया है। मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको? जो आप सेकेंड ईयर में स्कोर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है द्वितीय वर्ष वाले बच्चों के लिए, द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से कि ऐसे विश्वविद्यालय जहां 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हुई थी, जहां पर प्रथम वर्ष की परीक्षाएं पिछले साल हुई थी, तो वहां प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर द्वितीय वर्ष के परिणाम तथा अंक निर्वाचित किए जाएंगे और तृतीय वर्ष में प्रोन्नति कर दिया जाएगा। यानी कि इसका मतलब यह है सीधा सीधा कि यदि आपके पिछले साल एग्जाम हुए थे तो अब आपको सेकेंड ईयर में, आप अब इस बार सेकेंड ईयर में हैं आप, तो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। आपके जो सेकेंड ईयर में मार्क्स आने वाले हैं वो किसके अकॉर्डिंग आएंगे? जो आपने फर्स्ट ईयर में आपका रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग आपके सेकेंड ईयर में मार्क्स आएंगे। अब यहां पर इसमें दूसरा पॉइंट, खै इसमें क्या है, ऐसे विश्वविद्यालय जहां 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई थी उनके लिए द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराई जाएंगी, यानी कि आपकी दूसरे वर्ष की परीक्षाएं होनी है अब, यानी कि जो आपका पहले कमेटी बनाई गई थी उन्होंने कहा था कि इनके जो है सेकेंड ईयर को प्रमोट कर दिया जाए और फाइनल ईयर में सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के एग्जाम लिए जाएं, तो अब वो नहीं है। सेकेंड ईयर के जहां पर एग्जाम पिछले साल नहीं हुए थे, यानी कि उनको प्रमोट कर दिया गया था फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में, तो इस बार
वहां पर सेकेंड ईयर के एग्जाम होने हैं। क्लियर हो गया होगा आपको, यानी कि आपके एग्जाम होने हैं सेकेंड ईयर वाले बच्चों के जिनको प्रमोट पिछले साल कर दिया गया था, जिनके एग्जाम पिछले साल नहीं हुए थे। इस पॉइंट को आप खै को देख सकते हैं। ये जो आप नोटिस देख रहे हैं, ये मैंने कल आपका फेसबुक पेज पर, जो मेरा फेसबुक पेज है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर मैंने डाल दिया था। तो आप जाकर वहां से भी इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा एक एक पॉइंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है तृतीय वर्ष वाले। तृतीय वर्ष वालों की जो परीक्षाएं हैं वो होनी है, बिल्कुल होनी है, बिल्कुल साफ साफ है, उनका क्लियर है। तो जो थर्ड ईयर है, फाइनल ईयर है, उनकी परीक्षाएं होनी है। और कब तक होनी है? जो आपकी 13 अगस्त 2021 से पहले पहले खत्म कराई जानी है, इससे पहले पहले खत्म होनी है। आप ये मत सोचने लगना कि इसके बाद में होंगी या यहां से होंगी, तब तक तो फिनिश होनी है। तो यानी कि जो आपके एग्जाम है जुलाई में ही कराए जाने हैं, यानी कि हो सकता है जून के लास्ट से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाए या आपके जुलाई में ही एग्जाम कराए जाने हैं। तो साथियों, ऑलमोस्ट जितने भी आपके डाउट क्वेश्चन क्वेरी हैं आपके प्रमोट को लेकर, वो क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है इनसे अलग, जो मैंने पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि मेन मेन पॉइंट यही है, इन्हीं में आपके जो क्वेश्चन क्वेरी है, हाँ यहां पर हो सकता है जैसे दो वर्ष के कोर्स हैं, जैसे बीएड है, तो बीएड में फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जाएगा, बिल्कुल क्लियर है, उसमें सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग मार्क्स आने वाले हैं। हालांकि इसका इसमें कोर्सेज का कोई यहां पर ऐसा दिया नहीं है, लेकिन उसमें जो दो वर्ष के पाठ्यक्रम हैं वो उनको फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जा रहा है और सिर्फ फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी भी यदि आपको कोई डाउट या क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या किसी और टॉपिक पर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियो या फिर आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।